महाराणा उदय सिंह का शासनकाल 1537 से 1572 तक रहा। 1536 में बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या के बाद में महाराणा उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया, जहां सुरक्षा का भार आशा देवपुरा जो कुंभलगढ़ दुर्ग का रक्षक था उसके हाथ में था। 1537 में मालदीव के सहयोग से 1537 में मालदेव के सहयोग से मालदेव जो मारवाड़ का शासक था उसके सहयोग से कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह का राज तिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। महाराणा उदय सिंह वही है जिन्होंने 1559 में उदयपुर नगर बसाया, उदयपुर नगर को अपनी राजधानी बनाई, उदय सागर झील का निर्माण करवाया और मोती मगरी में सुंदर महल बनवाई। 1559 के ठीक 100 वर्ष पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1459 में जोधपुर नगर बसाया गया था और जोधपुर नगर राव जोधा ने बसाया था। 1459 में जोधपुर नगर बसाकर राव जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1540 में मावली के युद्ध में मालदेव के सहयोग से महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को परास्त किया, बनवीर को मार गिराया और अपनी पैतृक सत्ता मेवाड़ की संपूर्ण प्राप्त की। 1543 में मेवाड़ पर शेरशाह ने आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह ने सुलह द्वारा इस आक्रमण को टाल दिया और इस सुलह के तहत खवास खां को मेवाड़ का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। 1557 में महाराणा उदय सिंह ने अजमेर के हाकिम हाजी खां को परास्त किया। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी और इस शरण के द्वारा मेवाड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण के बीज बो दिए गए। इसी कारण से फिर मेवाड़ पर आक्रमण होता है अकबर के द्वारा। 1567 में अकबर आक्रमण करता है मेवाड़ पर। 1567 में जब मेवाड़ पर आक्रमण अकबर द्वारा किया गया तो उदय सिंह जयमल और पत्ता को चित्तौड़ की सुरक्षा का भार सौंपकर गेरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। अकबर ने हुसैन कुली खां को उदय सिंह का पीछा करने के लिए गेरवा की पहाड़ियों में भेजा। जयमल रात्रि को चित्तौड़ के किले की दीवारों की मरम्मत करवा रहा था। चित्तौड़ के किले की दीवारों की मरम्मत जब जयमल रात्रि को करवा रहा था, उसी समय अकबर ने उस पर बंदूक से गोली चलाई। उस बंदूक का नाम था संग्राम। उस संग्राम बंदूक से जयमल घायल हो जाता है और उसमें उसका एक पैर कट जाता है। जयमल और फत्ता तथा सारे राजपूत वीर योद्धा सुबह केसरिया धारण कर अकबर की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और फत्ता की रानी फूल कंवर ने अन्य राजपूत रानियों के साथ में जौहर किया। ये जौहर मेवाड़ का तीसरा साका कहलाता है। इस युद्ध में जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर भाग लेता है, इसलिए कल्ला राठौड़ को चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। कल्ला राठौड़ आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जयमल और फत्ता की वीरता से मंत्रमुग्ध होकर अकबर ने आगरा के किले के बाहर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई। जयमल और फत्ता की छत्रियां चित्तौड़ में भी बनी हुई है। इस युद्ध के बाद में महाराणा उदय सिंह
जो पहले गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे, बीमार रहने लगे और वो 28 फरवरी 1572 को मृत्यु को प्राप्त होते हैं होली के दिन। और इनकी मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बनते हैं। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु गोगंदा में हुई थी, जबकि राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। और गोगंदा में ही राज्याभिषेक होता है जहाँ महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप का। इस तरह से महाराणा उदय सिंह के शासन का अंत हो जाता है और नए युग की शुरुआत होती है महाराणा प्रताप के रूप में। हम अगले सेशन में महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।